हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर थ्री दैट इज़ ऑडिटिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में ऑडिट कैसे होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑडिट्स इन आई टी कवर ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग जो आई टी में ऑडिट होते हैं उसमें क्या, क्या क्या कवर होता है आई टी ऑडिट्स या फिर आई टी असिस्टिड ऑडिट्स या दोनों के दोनों जो आई टी इन्वायरमेंट में ऑडिट होते हैं उनमें क्या क्या होता है आई टी ऑडिट होता है या फिर आई टी असिस्टिड ऑडिट हो सकता है या दोनों के दोनों हो सकते हैं अब इनका मतलब क्या होता है आई टी ऑडिट नाम से ही पता लग रहा है कि जब आई टी का ऑडिट होता है उसे बोलते हैं आई टी ऑडिट आई टी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट किया जाता है उसे बोलते हैं आई टी ऑडिट यानी कि ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ऑडिट करते हैं उसे बोलते हैं आईटी ऑडिट या फिर ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम लेकिन अगर हम जो हमारे दूसरे ऑडिट्स होते हैं अगर उन ऑडिट्स को हम आईटी सिस्टम का यूज़ करके करते हैं तो उसे बोलते हैं आई टी ऑडिट्स मतलब ऑडिट किया हमने यूजिंग आईटी सिस्टम जब हम आईटी सिस्टम का यूज करके कोई ऑडिट करते हैं उसे बोलते हैं आईटी असिस्टेड ऑडिट्स जैसे फाइनेंशियल ऑडिट हो गया कंप्लायंस ऑडिट हो गया परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया कंबाइंड ऑडिट हो गया अगर इन टाइप के ऑडिट्स को हम आईटी सिस्टम का यूज करके आई टूल्स का यूज़ करके करते हैं तो उसे बोलते हैं आई असिस्टेड ऑडिट्स मतलब आई के हेल्प से जब ऑडिट किया जाता है तो उसे बोलते हैं आई असिस्टेड ऑडिट्स आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई ऑडिट मतलब आई सिस्टम का ऑडिट करना मतलब जो आई सिस्टम है उसको हम चेक कर रहे हैं उस आई ऑडिट में लेकिन आई टी ऑडिट में हम ऑडिट कर रहे हैं कोई भी टाइप का ऑडिट हो सकता है यूजिंग आईटी सिस्टम जब हम आईटी सिस्टम का यूज़ करके कोई भी टाइप का ऑडिट करते हैं तो उसे बोलते हैं आईटी असिस्टेड ऑडिट अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं सबसे पहले है ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम्स यानी कि आईटी ऑडिट जिसमें हम आईटी सिस्टम का ऑडिट करते हैं तो इस ऑडिट में क्या होता है हम आईटी सिस्टम की डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस को चेक करते हैं क्या आईटी सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप किया गया है मेंटेन किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स को वो मीट कर पा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो पूरे हो पा रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं और डाटा है क्या उसे सेफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा तो हम आईटी सिस्टम का इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या जो भी गोल्स हैं उनको मीट कर पा रहा है और उसके इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड कर पा रहा है और डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रख पा रहा है इसलिए आईटी सिस्टम का चेकिंग किया जाता है आईटी ऑडिट में हम आईटी सिस्टम्स को एग्ज़ामिन करते हैं और जो भी आईटी कंट्रोल्स होते हैं उन्हें भी एग्ज़ामिन करते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि ये जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस को आराम से होने दे रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड कॉस्ट मतलब आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो इनक्रीज़ हो रही है या उसकी सिक्योरिटी पे कोई हार्म हो रहा है इन सब चीज़ों को चेक करते हैं कि आईटी सिस्टम जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया हुआ है जो आईटी कंट्रोल्स लगाए हुए हैं क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस को हेल्प कर रहे हैं उसकी कोस्ट को बढ़ा तो नहीं रहे सिक्योरिटी को कम तो नहीं कर रहे उसकी प्राइवेसी को हार्म तो नहीं पहुँचा रहे ये सब चीज़ें आई ऑडिट में चेक किया जाता है और इसलिए भी किया जाता है आईटी ऑडिट ताकि चेक कर सके कि जो आईटी टी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो जो डाटा मेंटेन कर रहा है क्या वो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि जो उसमें डाटा मेंटेन हो रहा है क्या वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है या नहीं है मतलब अगर ऑडिट के लिए हम आईटी का जो डाटा है क्या उसी पे रिलाई कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है अब कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं जो आईटी सिस्टम्स के देखे जाते हैं मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इनका बस आपको नाम पता होना चाहिए डिटेल में हम आई ऑडिट मैनुअल में ही पढ़ते हैं इनके बारे में तो आई गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड नेक्स्ट इज़ कंट्रोल क्राइटेरिया और एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल टू इंफॉर्मेशन जो इन्फॉमेसन मेंटेन की जाती है उसके क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं जैसे इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी नॉन रेप्यूटिबिलिटी अवेलेबिलिटी कम्प्लाइंस एंड रिलायबिलिटी तो ये इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं आईटी टी रिसोर्स और एसेट्स कौन कौन से होते हैं आईटी टी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल अगर पूछा जाता है कि वट आर दी आई टी चूज अमंग दी गिवेन ऑप्शनस तो ये ऑप्शन सही रहेंगे आई टी एप्लीकेशनस इंफॉमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल दीज आर दी आई टी एसेट्स और आई टी रिसोर्स नेक्स्ट चीज़ आई टी कंट्रोल्स आई टी कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स जनरल कंट्रोल्स मतलब जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल सिर्फ इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लास्ट इज़ एंड टू एंड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग आई तो ये सारे की एस्पेक्ट्स हैं आई सिस्टम के अभी हमने देखा कि आईटी सिस्टम्स के कौन कौन से मेन की एस्पेक्ट्स होते हैं तो अब हम देखेंगे कि आईटी ऑडिट में कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है जब आप आईटी ऑडिट करते हैं तो उसके स्कोप में कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर होते हैं सबसे पहले होता है आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर आईटी सिस्टम्स जो आईटी सिस्टम्स की प्लानिंग है गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है उसको चेक किया जाता है आईटी ऑडिट में नेक्स्ट इस एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ एन आईटी सिस्टम के जो आईटी सिस्टम है उसको कैसे एक्वायर किया गया कैसे डेवलप किया और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस चीज़ को भी चेक करते हैं तो सेकेंड पॉइंट इज़ एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आई सिस्टम नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन कंट्रोल्स फ़ॉर आई सिस्टम जो आई सिस्टम के एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं उनको भी कवर किया जाता है ऑडिट स्कोप में नेक्स्ट इज़ एंड ऑफ़ एन एग्जिस्टिंग आई टी सिस्टम जो एग्जिस्टिंग आई टी सिस्टम है उसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है कैसे मेनटेन किया जाता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है इवन चेंज मैनेजमेंट पर भी दिया जाता है कि जो भी चेंजेस किए जाते हैं आई टी सिस्टम में उसे कैसे मैनेज किया जाता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है नेक्स्ट चीज़ आई टी आउटसोरसिंग आई टी आउटसोरसिंग जब की जाती है तो उसको भी चेक करते हैं नेक्स्ट चीज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर आईटी सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको भी देखते हैं और कैसे रिस्क को मैनेज किया जा रहा है उसको भी चेक किया जाता है लास्ट इज़ डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग फॉर आई टी सिस्टम्स आई टी सिस्टम्स की डिज़ास्टर रिकवरी और बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग की जाती है और उसे भी चेक करते हैं आई टी ऑडिट में इसका मतलब क्या होता है देखो अगर किसी भी कारणवश किसी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम ख़राब हो जाए कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया जिसकी वजह से आईटी सिस्टम ख़राब हो गया हो सकता है ना शॉर्ट सर्किटिंग होगी या फिर कोई नेचुरल कैलोमिटी की वजह से आईटी सिस्टम ख़राब हो गया तो क्या होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन डाटा उड़ जाएगा खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस तो ठप हो जाएगा ना जब डाटा या इंफॉर्मेशन ही ख़त्म हो गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस भी ख़राब हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग की जाती है डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग पहले से ही की जाती है आईटी सिस्टम को इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर कुछ डिज़ास्टर हो जाए तो रिकवरी प्लान हो हमारे पास बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी प्लान हो हम भी तो करते हैं ना अगर हम हमारे फ़ोन में इतना सारा डाटा होता है इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन हमें पता है हमारा फ़ोन कभी भी खराब हो सकता है इसलिए हम एक बैकअप प्लान बना के चलते हैं अपना एक बैकअप रख के चलते हैं सारी अपने डाटा का तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जब आई अपना आई सिस्टम डेवलप करती हैं इंप्लीमेंट करती हैं तो एक बैकअप प्लान लेके चलती हैं कि अगर हमारा आईटी सिस्टम ख़राब हो जाता है किसी भी कारणवश तो हमारे पास बैकअप हो हमारे इंफॉर्मेशन का डाटा का ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो कॉन्टिन्यू करता रहे मतलब हमें अपना बिज़नेस ठप ना करना पड़े अगर उन्हें अपना बिज़नेस ठप करना पड़ गया तो फिर उनका आई सिस्टम ही बेकार था तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है इसे भी आईटी ऑडिट में चेक किया जाता है वैसे तो इन सब के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना आईटी ऑडिट मैनुअल में पढ़ोगे आईटी ऑडिट मैनुअल बेसिकली इसी पे बेस्ड है जो आईटी ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट में जो आईटी सिस्टम है उसकी एग्जामिनेशन वेरियस स्टेज़ पर की जाती है जब आई सिस्टम की जो वेरियस स्टेज़ होती हैं जैसे प्लानिंग एंड फिज़िबिलिटी स्टडी जो फर्स्ट स्टेज होती है उस पर भी हम आईटी सिस्टम को एग्जामिन करते हैं नेक्स्ट स्टेज पे भी जिसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है ऐसे ही प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वाली स्टेज पे भी हम चेक करते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाली स्टेज पे भी टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली स्टेज पर भी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस पे भी मतलब जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं आई सिस्टम के लाइफ साइकिल की हर स्टेज पर आई ऑडिट किया जाता है मतलब जो आईटी सिस्टम है उसको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इवन जब आईटी सिस्टम अंडर डेवलपमेंट होता है या जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे होता है तब भी उसकी चेकिंग की जाती है तो इसलिए आपको याद रखना है जो आई सिस्टम का लाइफ साइकिल होता है और उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उन हर हर स्टेज पे हम आईटी सिस्टम को चेक करते हैं इन दी आईटी ऑडिट आईटी सिस्टम की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखा जाता है यह ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करें हर स्टेज की जैसे प्लानिंग एक्विजिशन डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन डिलीवरी एंड सपोर्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ये जो पूरी लाइफ साइकिल होती है आईटी सिस्टम की उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ती है और जब आईटी ऑडिट होता है इन डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है जो आईटी सिस्टम की पूरी लाइफ साइकिल है उसकी स्टेजेस की डॉक्यूमेंटेशन को भी आईटी ऑडिट में चेक करते हैं ये ऑडिटेबल एंटिटी की ड्यूटी बनती है यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका ऑडिट हो रहा है कि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे ऑडिट के लिए और अगर कोई भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं तो उस पर जो आईटी ऑडिट है वो कमेंट कर सकता है ऑडिट ऑडिटेबल एंटिटी से उसके आईटी सिस्टम्स की इंफॉमेसन मांग सकता है जो भी आईटी सिस्टम्स या आईटी प्लेटफॉर्म्स वो यूज़ कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ऑडिट ले सकते हैं इवन मोबाइल ऐप्स की भी इंफॉर्मेशन ली जाती है मतलब इसे भी एक आई टी प्लेटफॉर्म ही कंसिडर किया जाता है फॉर दी परपज़ ऑफ आई टी ऑडिट आई टी ऑडिट क्यों इम्पोर्टेंट होता है जब कोई आईटी सिस्टम न्यूली इंप्लीमेंट किया जाता है मतलब कोई न्यू आईटी सिस्टम सस्टम इम्प्लीमेंट होता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम में चेंजेस लाए जाते हैं तो चेक करना पड़ता है कि क्या वो सिस्टम डाटा की इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा इसलिए आई ऑडिट करना ज़रूरी होता है जब भी कोई नया आई सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग आई सिस्टम में चेंजेस किए जाते हैं नेक्स्ट इज़ आई टी ऑडिट्स जब आईटी सिस्टम का यूज़ करके ऑडिट किया जाता है उसे बोलते हैं आईटी टी असिस्टिड ऑडिट्स यानी कि जैसे अगर हम कोई फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं लेकिन उसमें आईटी टूल्स का यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं यूजिंग आईटी सिस्टम तो वो क्या हो गया एक आई टी ऑडिट हो गया तो इन ऑडिट्स में हम क्या करते हैं वेरियस आईटी टूल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल डाटा एनालिसिस टूल्स हैं उनको तो यूज़ करते ही करते हैं उनके साथ हम आईटी टूल्स का भी यूज़ करते हैं तब उसे बोलते हैं आईटी असिस्टेड ऑडिट्स इन ऑडिट्स में जो एनालिसिस है वो उस डाटा पे किया जाता है जो ऑडिटेबल एंटिटी प्रोवाइड करती है या फिर कोई एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है तो उस डाटा को अच्छे से एनालाइज किया जाता है जो आईटी कंट्रोल्स होते हैं या फिर नॉन आईटी कंट्रोल्स होते हैं उनकी एडिक्वेसी और इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया जाता है ताकि डाटा की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सके यानी कि यहाँ पे आईटी कंट्रोल्स और नॉन आईटी कंट्रोल्स दोनों की इफ़ेक्टिवनेस और एडिक्वेसी को चेक किया जाता है डाटा की रिलायबिलिटी को देखने के लिए जो भी इंसाइट्स मिलते हैं डाटा एनालिसिस करके उनको हम ऑडिट्स uh, की प्लानिंग कंडक्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट पॉइंट इज़ कि ऑटोमेशन में कितने गैप्स हैं कितनी ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन की गई है और जो कंट्रोल्स हैं आईटी कंट्रोल्स या नॉन आईटी कंट्रोल्स उनकी कितनी इफ़ेक्टिवनेस है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो भी डाटा एनालिसिस की फ़ाइंडिंग्स हैं उस पर कैसे रिलाई कर सके और उसकी जो रिलायबिलिटी होती है उसको वैलिडेट किया जाता है थ्रू एग्ज़ामिनेशन फील्ड एग्जामिनेशन की जाती है या फिर कुछ केसेस की सैम्पलिंग करके वेरिफिकेशन की जाती है इस चैप्टर में इतना ही था आई होप आपको समझ आया हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू